राम। इस वक्त हम बेला देवी धाम पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ खचाखच भरी हुई है और यहां पर लोग अपने नव वर्ष की मंगल कामना करने के लिए आए हुए हैं। और अब हम यहां पर आप देख सकते हैं सारे श्रद्धालु सारी दुकानों पर कितना भीड़ का तांता लगा हुआ है। तो चलिए हम एक श्रद्धालु से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कब से आए हुए हैं। जी आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम सुधीर है, हम एक घंटे से लाइन में लगाने के लिए खड़े हैं, लगा ही नहीं पा रहे हैं। लाइन में कहाँ है आप? तो अभी बाहर है, लाइन लगाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ से यहाँ तक लाइन लगी हुई है। कहाँ से आए हैं भैया? हम बहुत दूर बनारस से आए हैं। और तब क्या उम्मीद है, कितने देर तक दर्शन हो जाएंगे? दर्शन तो करके ही जाएंगे, चाहे रात हो या दिन हो, उम्मीद तो पूरी है दर्शन करने की। अच्छा, तो इस स्थान का इतना क्या महत्व है जो आप यहाँ इतने देर से आए हुए हैं? भगवान राम जब बन जा रहे थे तो यहाँ एक रात विश्राम किए थे। अच्छा। और माता जी की पूजा करके तब आगे बढ़े थे। अच्छा, मतलब यहाँ से आप अपने नव वर्ष की मंगल कामना की पूजा करने के लिए आए हुए हैं? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए आपका नाम क्या है? फिर दर्शन करके जाएंगे। मेरा इन्हें छोड़िए, ये शर्मा रही है। आप बताइए आपका नाम क्या है? श्रेया पांडे। आप यहाँ कितने बजे से आई हुई? मैं तो यहाँ पर 9 बजे से। 9 बजे से? आप झूठ बोल रही हैं, 9 बजे से दर्शन करके आप चली जाती? नहीं, मतलब अभी आई और इतना सारा भीड़ है तो अभी नहीं गई। आपने प्रसाद ले लिया है? हाँ ले ली। तो अंदर जाने की तैयारी है? हाँ है। अच्छा ठीक है, फिर जाइए बेला देवी का दर्शन कीजिए और नव वर्ष की मंगल कामना पूरी हो। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आई हुई है जो नव वर्ष के मंगल कामना के लिए यहाँ मंदिर में जाकर पूजा और प्रसाद चढ़ाने की तैयारी कर रही है। और इसी तरह से देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम आप सबको भी नव वर्ष की शुभकामना देते हैं और जय माता दी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।